पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विभिन्न जोनों पर हो रही अनियमितता और बिजली कॉन्ट्रैक्टरों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर बुधवार को इंदौर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से स्कीम नंबर 78 के पिंक जोन के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मतभेद और विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। बुधवार को इंदौर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस जोन की जेई अंशिका खरे पर मनमानी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। जूनियर इंजीनियर एक वंशी का खरे करके है लोहा मंडी में, उनकी शिकायत करने के लिए सीएमडी ऑफिस आए थे और सीएमडी साहब से पूरे अनुसार हमने कल समय लिया था और हमें 3 बजे का समय दिया था। 3 बजे के पहले ही सीएमडी साहब निकल गए, वंशी का खरे जो है उनके लिए आए थे। शिकायत यह है कि वंशी का खरे जो है उपभोक्ता से और विद्युत ठेकेदारों से उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, अकड़ के बोलती हैं और कोई काम होता तो काम करती नहीं है। फाइल तो क्या लगता है वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकारियों की इनकी सांठगांठ होगी। कुछ ठेकेदारी कर रहे हैं और जो ठेकेदार हमारे जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है गवर्नमेंट से, वो जब किसी काम को लेकर फाइल लेके जाते हैं तो अधिकारी उनके काम में टालमटोली करते हैं और यथासंभव कोशिश करते हैं कि वो काम ना किया जाए। मूलतः ये काम नहीं करने के पीछे उनका रिश्वतखोरी का मामला रहता है और चूंकि कॉन्ट्रैक्टर रिश्वत नहीं देते इसलिए उनके कामों को उलझाया जा रहा है। उसी सब की समग्र शिकायतों को लेकर हम लोग आज सीएमडी साहब से मिलने आए हैं। 3 बजे का समय हमको दिया गया था लेकिन वो अभी है नहीं, शायद 4:30 बजे मिलेंगे तो हम लोग मिलकर उनसे अपनी बात रखेंगे। गौरतलब है कि कंपनी के ही कुछ अधिकारी और कर्मचारी विद्युत ठेकेदारी का कार्य करते हैं। इस बात को लेकर कंपनी से अधिकृत ठेकेदारों और इन अधिकारी के बीच विवाद सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।